दिल्ली का झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है, या ये कहें कि आम आदमी पार्टी इसे खत्म ही नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली में जो हालात हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच साफ साफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, तो फिर महज 24 घंटे के भीतर ही ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर पैदा हुआ नया विवाद क्यों हो गया? बीजेपी की माने तो केजरीवाल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के साथ टकराव का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र कुमार गुप्ता का आरोप है कि केजरीवाल सरकार फिर से अधिकारियों को डरा और धमका रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और दिल्ली सरकार को मिलजुल कर सलाह के साथ काम करने का निर्देश दिया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार इस विवाद का ठीकरा एलजी और केंद्र सरकार पर मढ़ रही है और फिर से कोर्ट जाने की भी बात कह रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अब भी एलजी और चीफ सेक्रेटरी के पास ही है। ऐसे में क्योंकि कोर्ट ने अगस्त 2016 का नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया है, तो क्या दिल्ली सरकार ने जानबूझकर ये विवाद खड़ा करने की कोशिश की? दिल्ली के लोग इन दिनों बिजली, पानी, प्रदूषण जैसी तमाम समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन पर काम करने के बजाय फिर से ऐसे मुद्दे को उठाया जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। बहरहाल जो भी हो, इतना तो साफ है कि जिस तरह से पिछले 3 सालों से आप और एलजी में टकरार हो रही है, उससे नुकसान तो दिल्ली वालों का ही हो रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।